कांचनपुर जम्पुई रोड जो है उधर से जा रहे हैं, जम्पुई हिल्स। मतलब हम लोग का डेस्टिनेशन है फुलडुंग से हम लोग जाएंगे, वो ईडन के बाद आता है। तो रास्ते का पूरा काम चल रहा है अभी पूरा, और हम लोग बनी को लेके जा रहे हैं। रोड्स भी कुछ कुछ ख़राब है, कुछ कुछ अच्छा है अभी। वैसे ही लाल मिट्टी का पूरा एकदम ये चल रहा है। और मेरे साथ मेरा भाई है जॉयदीप, जो पीछे गोप्रो का सेटिंग ये कर रहा है, ठीक कर रहा है। और पूरा एकदम रोड है, एकदम ऑफ रोडिंग का रोड है पूरा। तो मैं धीरे धीरे चला के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो बनी है छोटा सा इंजन, नन्ना मुन्ना, अच्छे से जाना पड़ता है। देखो नज़ारा, ये बहुत सुंदर नज़ारा है। ये है हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का। सो यहाँ से होके हम लोग जाएंगे, और ये रहा हम लोग का पहला रास्ता खराब होने का। जाएंगे किधर से? अच्छा ये तो पूरा सूख गया, पूरा लाल मिट्टी का रास्ता है। और देखो मैं, हम लोग का टमटम भाई आ रहा है सामने से। दादा रास्ता के मोन खराब मिलेगा, जा सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? हाँ अच्छा, क्या रास्ता कितने तक खराब मिलेगा? रास्ता क्या ऐसा ही रहेगा? ऐसा ही रहेगा ना, ठीक है, चलता हूँ भैया। और देख सकते हो सामने से एक जीप आ रहा है, तो उनको पास देना पड़ेगा, तो मैं खड़ा रहता हूँ यहाँ पे। आराम से जाना पड़ेगा, रोड बहुत सही है। Two hours later. रोड का हालत देखो गाइस, रोड का हालत देखो। एकदम खराब होके रखा है। देख सकते हो रोड का हालत कैसा है, इधर से भी पूरा एकदम कैसा होके रखा है रोड। चलो देखते आगे आगे क्या होता है। सो गुड आफ्टरनून गाइस, इट्स अ फर्स्ट डे एट फुलडुंग से। सो नाउ वी आर ट्रैवलिंग टू मिजोरम खतलंग। द प्लेस इज खतलंग, वी आर ट्रैवलिंग, इट विल कवर अराउंड 12.5 किलोमीटर्स टू खतलंग। तो यू गो फर्स्ट ब्रदर, ओके। So we are now heading towards Khatlang, that is the part of Mizoram. So we are moving there today with the fresh day. The weather is cool, and now we are moving. We have done our breakfast in the morning. I went out, I have some rice and chow. It was very tasty. So now we don't have any luggage in our back, so the scooby is awesome. Now we can, थोड़ा हल्का हल्का महसूस हो रहा है अभी, जा रहे हो अभी खतलांग। And he is with me, my brother. Oh, you can see the view, man. You can just see the view.
ओके एंड दिस इज द व्यू मैन, यू कैन जस्ट मैनिपुलेट दिस. सो नाउ अभी हम लोग एकदम मिजोरम जो जाता है बाउंड्री इधर से जाते हैं, तो अभी हम लोग एकदम टॉप मोस्ट पे हैं. ये पूरा जगह मिजोरम है और ये कितना सुंदर है, इधर से पूरा देख सकते हो, इधर से पूरा व्यू आता है अपना, पूरा एकदम सब कुछ देख सकते हो. और इधर से बीच से छोटा छोटा रास्ता जाता है, ये हमारा जो पहाड़ियों का है, पहाड़ियों के बीच में हम लोग का, यहाँ पे क्लाउड्स फॉल भी होते हैं. क्लाउड्स फॉल होगा अभी कुछ देर बाद. ठंडा है मौसम भी, बहुत ठंडा लग रहा है यहाँ पे क्योंकि ऊंचाई में है, नीचे जाएंगे तो ख़त्म. और ये जगह बहुत सुंदर है, तो हम लोग इस जगह पे रुके थोड़ा बस चिल करने के लिए. ये बहुत सुंदर जगह है, लेट्स गो ब्रो. सो अभी हम लोग इस जगह पे हैं, अपना भाई भी सामने है, अपना TR02 रेजर लेके जा रहे हैं हम लोग के साथ. आप बहुत मज़ा आ रहा है भाई, वीडियो हो रहा है. सो ये मेरा भाई है जो जा रहा है हम लोग के साथ, मतलब खतलांग जा रहा है, मुझे रोड दिखाने वाला है. पूरा सुबह से लेके हम लोग टाउन में घूमे थे. सो हम लोग के साथ अभी भी है, उसका स्कूटी है यामाहा रेजेड, उसको लेके जा रहे. तो मेरा बनी और उसका स्कूटी दोनों मिलके जा रहे हम लोग, देखते वहाँ पे जाके एंजॉय करेंगे बहुत. ये बच्चे लोग हम लोग का खेल रहे, बाय बाय बोल रहे. This side is the Mizoram and this side is the Tripura and we can go by this road to Mizoram, but मैं देख रहा हूँ रोड बहुत ख़राब है इधर, तो हम लोग जाएंगे इधर से. खतलांग विलेज इज दिस साइड एंड यू कैन गो टू मिजोरम दिस साइड, बट द रोड्स आर वेरी डर्टी राइट नाउ, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन साइट. सो फर्स्ट लेट्स गो ब्रो. यू कैन सी द रोड मैन एंड जस्ट नेचर मैन, जस्ट लुक ऑन द रोड मैन, इतना सुंदर है भाई. पहाड़ों के बीचों बीच में हम लोग निकल पड़े कहीं दूर, पहाड़ों में खो गया मेरा दिन कहीं दूर, पहाड़ों में हो गया. हो गया स्टार्ट, चलो स्टार्ट हो गया ना, चलो. सो अभी हम लोग फुल ढूंग से, आवर लोकेशन फुल ढूंग से इट्स नियर मिजोरम. हम लोग अभी पहुंच गए वहाँ पे, जस्ट एंटर फुल ढूंग से राइट नाउ. बहुत मजा लग रहा है.
बेसिकली हम लोग अभी जोदाई टूरिस्ट लॉज पे हैं। दिस इज़ द जोदाई टूरिस्ट लॉज। अपना नज़ारा भी सुंदर दिखने को मिलेगा यहाँ पे। यहाँ से आप पूरा नज़ारा देख सकते हो, पूरा माउंटेन्स का, यहाँ पे पूरा क्लाउड्स का, और ये वाला पूरा जगह आपको मिलेगा। और दैट इज़ द वेटलिंग शिप, द टॉप मोस्ट वी विल विजिट टुडे, एंड दैट इज़ आवर एनजे हॉलीडेज एंड होम स्टे वेयर वी हैव बीन स्टेइंग यस्टरडे। दैट इज़ बेसिकली लोकेटेड इन द फुलडुंग स्टे। एंड द प्लेस इज जस्ट ऑसम, इट्स काइंड ऑफ विंडी टाइप। एंड विच आवर ब्रदर रोहिता, ही इज जस्ट हेल्पिंग मी आउट, ही मूविंग अलॉन्ग विथ मी लाइक टू विजिट दोज प्लेसेज एंड ऑल। एंड इट्स अ नाइस प्लेस मैन। Windy here.